अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अनीक अली, आज आपको कुव्वते बात मर्द की ऐसी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फितरी तौर पे जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ का इलाज करते करते कई वजूहात में या कई बारियों में मुतला हो जाते हैं। इसकी बुनियाद पे एक हमारे पास बुजुर्ग आए हुए थे, उन्होंने हमें एक जदीद और आला किस्म का नुस्खा बताया था जो बहुत ही आसान और सस्ता था। ऐसे ऐसे महंगे हैं लेकिन इंसान की फिक्र से दूर हो जाते हैं। उसकी वजह से इंसान जो अपना लाज के लिए और ऐसे नुस्खा जो इंसान इस्तेमाल करके उनके बॉडी इफेक्ट बहुत होता है, मसलिंग मैदे जिगर गुर्दे पे करते हैं, वो हमारे पास बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा जी ये नुस्खा इतना आसान और सस्ता है, आप इसको इस्तेमाल कराएं। एक मेरे पास दोस्त बैठा हुआ था लेकिन वो बहुत बदजेन हो चुका था, ऐसा बदजेन हो चुका था, उसने बहुत सारे हकीमों डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन उसका इलाज ना हुआ। कहीं पर आप मैदे की प्रॉब्लम होगी, गुर्दों की प्रॉब्लम होगी, दिल की प्रॉब्लम, लेकिन कहीं होम्योपैथ या ऐसे डॉक्टरों से इलाज कराया, इलाज कराने के बाद उसको कुछ अफादियत होगी। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो मेरे पास एक मेरे उस्ताद बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि इसके लिए ऐसा नयाब नुस्खा है, तुम इसको यूज़ कराओ। लेकिन मैंने वो इतना सस्ता नुस्खे को आम सा नुस्खा समझ के छोड़ दिया, लेकिन जब वो कुछ देर के बाद आया तो वो समझने लगा कि वो मुझे वही बुजुर्ग का नुस्खा दें जो उन्होंने बताया हुआ था। मैंने उस नुस्खे को बनाया, उस नुस्खे को लिया और बनाया, बनाने के बाद उसको दिया और उसको बहुत फादियत हुई। ऐसी फादियत हुई कि ये जो नुस्खा है दो हिस्सों में है, एक ऐसी आप एक कुव्वत बात यानी जिस जो इंसान में फितरी तौर पे कमजोरी है उसको दूर करता है, और कुव्वत बढ़ाने के लिए नुस्खा एक है लेकिन इसमें दो चीजें डिवाइड होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो चीजें ये हैं, लिबन हाँ, ये नुस्खा, ये चीज़ें आपने इस नुस्खे को बनाने के लिए इनको 50-50 ग्राम लेना है। आप सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ खाएं तो सबसे बेहतर है। उसके बाद अगर इन चीज़ों को एक हफ्ता खाने के बाद आप अपनी जिस्म की जितनी कुव्वत बनाना चाहते हैं वो बनाएं, उसमें आपने दो चीज़ों को ऐड करना है, वो चीज़ें ये हैं। आपने आपने दो छुहारे लेने हैं रात को भुगो देने हैं, और पांच बादाम लेने हैं वो रात को भुगो देने हैं, और बादाम के छिलके उतार के आपने बादाम को खाना है। पहले बादाम को खाने के बाद आपने जो छुहारे या आपके पास छुहारे अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, खजूर लेनी। तो खजूर लेने के बाद आपने क्या करना है, वो जो सफूफ बनाया उसका एक चम्मच, एक चम्मच यानी एक ग्राम या डेढ़ ग्राम आपने पानी के दूध के साथ खाना है। ये आप खाएं और देखें आपकी कुव्वत मुताबिक जितनी बना सकते हैं बढ़ती जाएगी, आपकी बॉडी के जो बॉडी में कुव्वत मुताबिक को बढ़ाती है, आपकी हड्डियां मसल हत्ता के आपकी टाइमिंग
और आपकी जो मनी है उसको भी प्यारा करते हैं, और इसके साथ साथ आपके जो वेन्स मसल आईटी वेन तुम्हार की नुशनुमा भी करती है। इससे आपका जिगर भी ठीक होगा, मैदा भी ठीक होगा, हर तरह की प्रॉब्लम जो खत्म होगी। जी आपने क्या करना है, पहले वो जो बनाया नुस्खा है उसको लेना है, उसके बाद एक आपने तीन तीन इस्तेमाल ऐसे करना है, उसके बाद पांच गिरियां बादाम की आपने भगो देनी है, दो छुआरे या दो खजूरें खानी है, खाने के बाद ऐसा एक चम्मच सुबूब का लेना है और इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह ताला आप जितनी अपने जिस्म में कुव्वत बढ़ाना चाहेंगे वो बढ़ती जाएगी। नए नुस्खे और नई जिद के अल शफीक हर्बल जा खाने के लिए हकीम नीफ अली को आपको नॉलेज बांटा जाएगा, घर बैठे आप नए से नए नुस्खे ऐसे आसान और जदीद नुस्खा है जो आपकी लाइफ को बेहतर, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेहतर और कुदरत के नया वो जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हकीम नीफ अली को जा देते हैं अल्लाह।